रियली हालात इतने बुरे हो चुके हैं, क्या हम सब मरने वाले? क्या रियली कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? अब तक 4000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। अमेरिका खुद को आइसोलेट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के आने पर उसने पाबंदी लगा दी है, सऊदी ने पाकिस्तान समेत 39 कंट्रीज पर एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान के थैली में इदारे बंद हो चुके हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है और हम अभी तक जैसे पहले थे वैसे बैठे हुए हैं। क्या आप हमें भी अब ये एहतियात करना चाहिए? क्या हमें अभी ये केयर करना चाहिए? क्या रियली कंडीशन बहुत बुरी है या ये सारी अफवाहें हैं, या जो हमें बताया जा रहा है वो उतना नहीं बताया जा रहा है जितने हालात इस मुल्क के बुरे हैं? क्या रियली ऐसा है? क्या रियली कोरोना वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो क्या हम सबको ख़त्म कर देगा? क्या अब हमें पैनिक होने की ज़रूरत है, हमें परेशान होने की ज़रूरत है? सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे चल के। यह N95 मास्क जो मैंने अभी उतार दिया है, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। ये एक्चुअली प्रॉपर और जो सही मास्क है किसी भी वायरस से बचने के लिए वो ये है, ठीक है। बट अब कोरोना वायरस का जो ये क्लास है COVID-19, क्या ये रियली इतना डेंजरस है? यस, ये डेंजरस है और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए न्यू है। अब तक इससे पहले, चाइना से पहले इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। ये चाइना के वुहान सिटी में दिसंबर 19 में ये पहली मरतबा ये इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले लोगों को पता नहीं था ये COVID-19 है क्या, और इसलिए ये डेंजरस है। अब आते हैं कि ये कितना जो है ख़तरनाक है। रियली इतनी डेथ हो चुकी हैं? डेथ बिल्कुल ये सही बात है, मोर देन 4000 डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक पूरी दुनिया में। और ये आप समझ लें ये कितना ख़तरनाक है। अमेरिका जैसे सुपर पावर खुद जो है अब अपने लोगों को आइसोलेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है। और ये लोगों को और बड़े बड़े ऑफिसर्स, इनके जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी कोई गरीब लोगों को अफेक्ट कर रहा है या सिर्फ चंद किसी तबके को अफेक्ट कर रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। उसमें कोई भी उनसे जो अफेक्ट हो सकता है, छोटे से लेके बड़ा किसी भी एज ग्रुप का बंदा इससे अफेक्ट हो सकता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? काफ़ी लोग मास्क लेके ऐसे मास्क पहन के घूम रहे होते हैं। ये मैंने अभी पहना है, ये बहुत रियली टफ है इसको पहने, आई डोंट नो कैसे ये पहनते हैं। और रियली मैंने जो पिक्चर चाइना की देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि उनके निशान हो गए हैं, उनके नाक पे निशान हो गए हैं, रियली ये ऐसे हो गए होंगे अगर उन्होंने 2-3 दिन पहना होगा। इसमें तो सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है और ये बड़ा मसला है। बट इसमें ये स्प्रेड काफ़ी चीज़ें होती है कि काफ़ी कह रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, काफ़ी कह रहे हैं कि आप हाथ जो आप किसी को टच करते हैं उससे हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप पहले तो ये है कि उन बंदों से आप दूर रहें जो जिनकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है बाहर से, उनसे आप दूर रहें, उनसे आप कांटेक्ट में ना आए। अगर वो उनको कफ है, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में उनको मसला है, फीवर है, उनसे आप ना मिलें। फर्स्ट चीज़, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, कोशिश करें कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है, क्योंकि वायरस 1 मीटर तक अफेक्ट करता है अगर कोई आपके मुंह पे खांसे। बट अगर किसी बंदे ने खांसा है या कहीं इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसके हाथ पे लगा हुआ है, वो आकर आता आपको टच करता है, आपसे हैंडशेक करता है, तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन आप तक आएगा और वो आपको वो अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आप जो है इनसे किसी से भी हैंडशेक नहीं करें और हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। किसी से आप हाथ मिलाते हैं, किसी जगह को आप हाथ लगाते हैं, आप उसके बाद जो हैंड सैनिटाइज़र आता है वो आप यूज़ करें, या अपने हाथों को 20 मिनट तक वॉश करें। अपने फेस को, अपने आइस को आप टच ना करें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मास्क पहन के बैठें तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो आपके फूड में भी हो सकता है, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, इसलिए बाहर का खाना आप अवॉइड करें, किसी से हैंडशेक नहीं करें, पब्लिक गैदरिंग में आप ना जाएं, और इससे आप बिल्कुल बच सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पॉजिटिव है या आपको भी ये सिम्टम पॉजिटिव आते हैं कि भाई हाँ आप में आपको कफ है, फीवर है,
तो ये आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं और अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को इन्फेक्ट कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप में कोई ये मसला है, आपके इसकी जो भी साइन सिम्टम्स पॉजिटिव हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ आप जाएं और अपना चेकअप कराएं और ख़ुद को आइसोलेट करें। अगर नहीं तो आप पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करें, कहीं कोई मजमा इकट्ठा हो रहा है वहाँ आप नहीं जाएँ, तो आप इन सब से बच सकते हैं जब तक इसकी कोई वैक्सीन ईजाद हो। अभी एक और ख़बर चली थी कि हाँ इसकी कोई वैक्सीन ईजाद हो चुकी है। हाँ ये सही बात है कि वैक्सीन पे काम चल रहा है, बट ये क्लियर चीज़ रहती है कि कोई भी वैक्सीन ऐसे ही डायरेक्ट ह्यूमन पे उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, फर्स्ट एनिमल्स पे किया जाता है, ये ला है। इसलिए वो पहले एनिमल्स पे वो टेस्ट होगी और जब उसके उसमें भी तकरीबन कोई 10 से 12 महीने लगेंगे, तो इसलिए ऐसा आप उम्मीद नहीं रखेंगे ये वैक्सीन जल्दी आने वाली है। बाकी काफ़ी नुस्खे लगा बताते हैं भाई, काफ़ी हकीम, काफ़ी कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये बिल्कुल बकवास है। कोई लहसुन से खाने से या अदरक खाने से या कोई कावा पीने से कोई आपका वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। गर्म पानी पीने से, गर्म पानी से नहाने से, ये अलाना फलाना मेडिसिन लेने से आपका कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये सारी अफवाह हैं, ये आप समझ लें। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ये ख़त्म इस तरीके से ख़त्म होगा। ख़त्म होगा तो यही है कि आप सिर्फ केयर करें जो बिल्कुल फ्री है, और हैंड सैनिटाइज़र आप छोटा सा अपने पॉकेट में रखें, उसे आप अपने हैंड वॉश करते रहें और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप न्यूज़ देखें, पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, लोगों ने अब सिटीज़ पूरे लॉकडाउन कर दिए हैं, तो आप समझ लें दुनिया का सुपर पावर जब इससे परेशान है तो हमें भी अब परेशान होना चाहिए। हमें खुद को खुद केयर करना चाहिए और ये हम पे फ़र्ज़ भी है। अगर हमें खुद को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, तो ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम ये मैसेजेस जो हैं, जो छोटे छोटे से मैसेज हैं, ये सब में स्प्रेड करें और ख़ुद को इस ख़तरनाक बीमारी से बचाएं। बाकी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हुआ वो उसकी डेथ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो है 2-3% केसेस और मैक्सिमम कहीं पे 6% केसेस में जो है ये डेथ रिपोर्ट हुए हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सारे क्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अभी तक जितने केस 28 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जो है काफ़ी जो है वो क्योर हो चुके हैं, तो ऐसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्योर होकर घर जा चुके हैं, किसी की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद का केयर रखें और अपने रिलेटिव्स का और सबका केयर रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो आप काइंडली मुझे बता दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।